दिव्य हिमाचल कांगड़ा न्यूज ब्रॉट टू यू बाय विरमानी स्किन केयर नगरोटा बगवा कांगड़ा, जहां आपको मिलेगा अपनी त्वचा से जुड़ी हर समस्या का समाधान। अपने शरीर के अनचाहे बाल हटाना या झड़ते बालों का रोकना, चिकन पॉक्स, मुहासे, सर्जरी के बाद के निशान, इनका बेहतरीन ढंग से इलाज। डॉक्टर मल्लिका अरोड़ा MBBS MD स्किन अपनी त्वचा संबंधी समस्याओं के निदान के लिए आज ही मिलिए। कांग्रेस शासन काल में भ्रष्टाचार, गरीबी व भुखमरी का बोलबाला था। आज दूर दूर तक भी ये सब चीजें नजर नहीं आती हैं। भाजपा ने सुशासन दिया है और आगे भी लोगों के अच्छे दिन लाने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये बात शनिवार को फतेहपुर विश्राम गृह में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने गृहिणी सुविधा योजना के तहत घरेलू गैस वितरण समारोह में कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच के कारण ही आज हर गरीब को समय पर इलाज मिलना संभव हो गया है। उन्होंने कहा कि आज अटल पेंशन योजना के तहत गरीबों को सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही 330 रुपए में जीवन ज्योति योजना, ग्राम उदय से भारत उदय योजना जैसी दर्जनों योजनाएं मोदी सरकार ने आम आदमी के लिए शुरू की हैं। कांग्रेस ने जनहित की योजनाएं चलाना तो दूर, अपने खजाने भरने का ही प्रयास किया। इस मौके पर किशन कपूर ने गृहिणी सुविधा योजना के तहत घरेलू गैस कनेक्शन बांटे। इस दौरान SDM फतेहपुर बलवान चंद, BDO अरविंद गुलेरिया, सुरेंद्र राठौर, बलवंत ठाकुर, प्रेम शर्मा, डॉक्टर सतीश शर्मा, OP चौधरी, प्रहलाद सिंह, करतार सिंह और प्रवीण राणा सहित कई अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। जिस भारत को विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां बड़े हल्के में लेती थी, भारत पिछड़ा हुआ देश है, भारत में भ्रष्टाचार ज्यादा है, भारत में गरीबी है, भारत में भुखमरी है, भारत की गणना उन देशों में आती है। पर नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने गरीबी को बड़ी नजदीकी से देखा है, एक गरीब परिवार में जन्म लिया, रेलवे स्टेशन में चाय बेचकर वो गुजारा करते थे। बहन जी, तुसा बड़ा सिर मीठा, पहले गल के गां बैठे गल नहीं सुनना चाहते सारे। मैं लगे गणाना क्या क्या योजना, ठीक है ना? हाँ, अच्छे दिन गल लगे सुना। उन्होंने 2014 मई 2014 में एक प्रण लिया कि मैं देश के आम आदमी। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए फतेहपुर से सुरेंद्र सिंह मिन्हास की रिपोर्ट।